3 BHK का जो टेंटेटिव साइज हमारा निकल के आएगा वो 2300 से 2500 के बीच में रहने वाला है। DLF ने 17,500 रुपए का रेट निकाला था और सोल्ड आउट हो गया था। आज कहीं जाके वो 22,000 पे पहुंच गए। MR की चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे उनके टाइमिंग डिलीवरी हो, चाहे उनके कमिटमेंट्स हो, उसमें नंबर वन है। चाहे वो DLF हो, चाहे अडानी हो, चाहे बिरला हो, चाहे आपका MR हो, चाहे आपका M3M हो, सभी की जो आज फर्स्ट प्रायोरिटीज बनी हुई है वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक, जहां मैं आपको दिल्ली NCR की लेटेस्ट और हॉटेस्ट प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट देती रहती हूँ। सो गाइज, अभी भी किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो देट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। गाइज, मैं खड़ी हूँ सेक्टर 62 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं MR का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। सो जहाँ हम MR की बात करते हैं तो MR जो है एक दुबई बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे अगर आप दुबई में जाते हो तो बहुत सारे मॉल, बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर करे हैं। बहुत ही नाम है इनका दुबई में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो, चाहे वो डिलीवरी कमिटमेंट्स हो, या आपकी सर्विसेज कमिटमेंट हो। और गुरुग्राम में भी अगर MR की बात करें तो बहुत ही रेपुटेटेड बिल्डर में ये जो है ये इसका नाम शुमार है। सो गाइज, आज मैं जहाँ पे आई हूँ ये है सेक्टर 62, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में भी हमारी प्लॉटिंग और विलास की डेवलपमेंट है। थोड़ा सा मैं इसकी लोकेशन को आपको इलाबरेट कराने की कोशिश करूंगी। जैसे ही आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से आते हैं तो JMD एम्पायर हमारा एक कमर्शियल आता है, वहां से आपने लेफ्ट टर्न लेना है और तकरीबन आपकी एक्सटेंशन रोड से 500 मीटर के अंदर पे लेफ्ट साइड में ये लोकेशन आती है। अगर आप आर्बर की तरफ से DLF आर्बर की तरफ से भी आते हैं तो स्ट्रेट आके देन आपने लेफ्ट लेना है और आपको राइट साइड में ये साइड पड़ने वाली है। तो जिन लोगों के चेक्स नहीं लग पाए थे DLF आर्बर में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है हम लेकर आए हैं। जैसे कि DLF आर्बर जो है क्विकली सोल्ड आउट हो गया था। रीज़न उसका यह था कि एक तो ब्रांड नेम था, दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनका रीज़न था वो था उसका प्राइस। बहुत ही अच्छे प्राइस पे वो लेके आए थे। हालांकि मैं मानती हूँ उसमें डेवलपर का थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन हमारे कस्टमर्स का और हमारे एंड यूज़र का उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट था, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छे प्राइसेस जो हैं मिल गए थे। बात करती हूँ जब DLF आर्बर की, जो कि 1150 हमारे जो अपार्टमेंट्स थे और 5000 हमारे EOIs हुए थे और 3 दिन में हमने उसको सोल्ड आउट करा था। उस प्रोजेक्ट में काफ़ी लोगों की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, तो उसी के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, हाई राइज हम लेके आ रहे हैं। 9.5 एकड़ का हमारा ये जो है प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें हम मात्र 5 ही टावर लेकर आ रहे हैं। स्टोरीज की मैं बात करूँ तो तकरीबन 34-35 हमारी स्टोरी होगी। 35 स्टोरीज में अगर हम जाते हैं तो जहाँ पे आज सारे डेवलपरों में होड़ लगी हुई है कि कैसे वो अपने प्रोजेक्ट में एमिनिटीज ऐसी लेके आए जो उनका रातों रात जो है माल बिक जाए। सो यहाँ पे भी हम वो सारी एमिनिटीज लेके आएंगे जो आज हर किसी की डिमांड में है, जो हर कोई डेवलपर प्रोवाइड करा रहा है। 5-स्टार रेटेड, चाहे वो क्लब हाउस हो, चाहे आपका हीटेड स्विमिंग पूल हो, हॉर्स राइडिंग हो, सारी एमिनिटीज जो होती हैं, प्लेग्राउंड्स, कोर्ट टेनिस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, एवरीथिंग विल बी देयर। और इसके साथ हम रेजिडेंशियल के साथ हम ये 9.5 एकड़ में लेकर आ रहे हैं, एज आई मेंशन यू, जिसमें हम 5 टावर लेकर आ रहे हैं। और हमारे जो हमारा इसमें एक रहने वाला है कि कितने साइजेस और क्या इसके प्राइसेस रहने वाले हैं, तो 3 BHK हम लेके आ रहे हैं एंड 4 BHK हम लेके आ रहे हैं। 3 BHK का जो टेंटेटिव साइज हमारा निकल के आएगा वो 2300 से 2500 के बीच में रहने वाला है। और 4 BHK का जो हम रेट लेकर आ रहे हैं, साइज लेकर आ रहे हैं, वो तकरीबन 2700 से 2800 या 3000 के आसपास इसका रेट निकल के आने वाला है। बहुत ही अच्छे लेआउट्स होंगे, जहाँ पे हम एक ही फ्लोर पे तकरीबन 4 अपार्टमेंट हम जो हैं देने वाले हैं। MR का जैसे मैंने नाम बताया, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम रेट क्या लेके आ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि DLF आर्बर हमारा 1700-1750 पे बिल्कुल बिक गया था, ऐसे ही जो हम यहाँ का टेंटेटिव रेट जो हम सोच रहे हैं या हम एक एक्सपेक्टेशन हम जो लगा रहे हैं वो तकरीबन हम लगा रहे हैं 15 से 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। यस, आप लोगों ने सही सुना है, 15 से 16 हज़ार रुपये का हम जो हैं पर स्क्वायर फीट का इसका लेके चल रहे हैं। 3 साल में हम पोजेशन का जो है टाइमिंग मान के चले, तो बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रेट जो होने वाला है। अगर ये
इनबॉक्स अगर रेट है, अगर इसके ऊपर कोई और रेट है तो हो सकता है वो थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो जाए या एक नॉमिनल, लेकिन अगर ये इनबॉक्स रेट है 15 से 16 तो बहुत ही अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रेट रहने वाला है, क्योंकि DLF ने 17,500 रुपये का रेट निकाला था और सोल्ड आउट हो गया था। आज कहीं जाके वो 22,000 पे पहुंच गए। आसपास की अगर मैं और बात करूं, जैसे पायनीर में अगर आप रेट देखें तो तकरीबन 18,500 का यहाँ पे हमारा रेट निकल के आता है। इसके अलावा और भी डेवलपर हैं जिनके अगर हम रेट को कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी कम ये जो है रेट निकल के आता है। MR की चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे उनके टाइमिंग डिलीवरी हो, चाहे उनके कमिटमेंट्स हो, उसमें नंबर वन है। और अगर हम बात करें इसके एप्रिसिएशन की, तो मुझे लगता है जो रेजिडेंशियल का एप्रिसिएशन है वो कहीं ना कहीं कमर्शियल पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे गोल्फ कोर्स पे बहुत सारे कमर्शियल की वजह से वहाँ के रेजिडेंशियल का बहुत ज़्यादा जो है स्कोप बढ़ा, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हुआ। और गोल्फ कोर्स रोड के बाद जो सबसे पॉश एरिया आता है हमारा गुरुग्राम में, वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। और यही रीज़न है, चाहे वो DLF हो, चाहे अडानी हो, चाहे बिरला हो, चाहे आपका MR हो, चाहे आपका M3M हो, सभी की जो आज फर्स्ट प्रायरिटीज़ बनी हुई है वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। आने वाले काफ़ी टाइम में, आने वाले कुछ ही सालों में आपको और ऐसे बड़े बड़े डेवलपमेंट मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम अरावलीज व्यू की, तो क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में सेक्टर 62 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एरिया में ज़्यादा जो हमारा रहता है वहाँ पे प्लॉटिंग रहता है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में ही हमारा MR का खुद का ही हमारी लैंड है जहाँ पे हम प्लॉट और विलाज लेकर आए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लो राइज हमारे यहाँ फ्लोर हैं, तो अगर आपको अरावली व्यूज़ लेना है तो आप ईजिली जो है उसका एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज, MR का प्रोजेक्ट है, 5 टावर है, 9.5 एकड़ का हमारा ये रहने वाला है, 3 BHK, 4 BHK, और टेंटेटिव रेट जो हमारा रहने वाला है वो तकरीबन 15,000 से 16,000 रहने वाला है। आजकल बहुत चलन चला हुआ है EOIs का। अब आप जानना चाहेंगे EOIs क्या होता है। EOIs होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि कोई भी डेवलपर होता है वो एक रेट पर जो है स्टक नहीं होना चाहता, अपनी सारी इन्वेंट्रीज एक रेट पर नहीं देना चाहता। इसलिए जहाँ तक मैं समझती हूँ और जो चलन चला हुआ है, 40-50% जो डेवलपर अपनी इन्वेंट्रीज होते हैं वो पुराने रेट पे या कम रेट पे देते हैं, उसके बाद जो रेट आता है वो एक एलिवेटेड रेट होता है, वो एक बढ़ा हुआ रेट होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लोग EOI करेंगे यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे हमारे इस प्रोजेक्ट में, उनको जो है पुराने रेट्स और जो इनएग्रल डिस्काउंट्स हैं वो मिलते हैं, उसके बाद जो है डेवलपर अपना रेट्स बढ़ा देता है। तो EOI जो है मात्र हमारा 10 लाख रुपए से है, जो कि प्योरली रिफंडेबल भी होता है। आपका जो भी लॉन्च प्राइस होगा, अगर आपको सेटिस्फेक्शन रेट्स मिलते हैं, सेटिस्फेक्शन लोकेशन मिलती है, देन यू कैन गो प्रोसीड, अदरवाइज यू कैन टेक योर रिफंड एज सून एज पॉसिबल। सो गाइज, आज की अपडेट मेरी थी सेक्टर 62 की गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन MR का रेजिडेंशियल हाई राइज लेकर आ रही हूँ। और ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पर कॉल कीजिए। और ज़्यादा अगर क्वायरी है या कैसे आप EOI प्रोसीड करा सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होगा, क्या वो बैंकेबल होगा, क्या वो नॉन बैंकेबल होगा, तो मेरे दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए। और अभी भी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही की भलाई है। डील लीजिए ना लीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपको अपडेट तो मिलती रहेगी कौन डेवलपर कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। टिल देन दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय।